नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं कि बाइनेंस पी टू पी में आप किसी भी कॉइन को USD या BTC को आप कैसे सेल करोगे पी टू पी के माध्यम से, और आप जो है वो ट्रांसफ़र को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जो बाइनेंस का इंटरफेस है वो बिल्कुल अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि आप कैसे पी टू पी के माध्यम से किसी भी कॉइन को आप अपना सेल कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल स्पॉट वॉलेट में जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास USDT पड़ा हुआ है जो मैं इसको सेल करूँगा और मैं अपने बैंक अकाउंट में इसको विड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे इस फंड को जो है स्पॉट से मुझे फंडिंग में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फंडिंग में ट्रांसफ़र करने के बाद ही वहाँ से आप पी टू पी के माध्यम से सेल कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्रॉम स्पॉट टू क्रॉस मार्जिन है, इसको आप जो है फंडिंग में करोगे सेलेक्ट। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको जो है फंडिंग लेना है, ठीक है, फंडिंग। तो मुझे स्पॉट वॉलेट से जो है फंडिंग वॉलेट में सबसे पहले अपने कॉइन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मेरे पास USDT है, तो मैं अभी यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैक्सिमम करूँगा, तो मेरे पास 660.54 समथिंग USD है जो मुझे स्पॉट से फंडिंग में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे मेरा जो है फंड जो है आप देख सकते हैं स्पॉट वॉलेट से निकल के फंडिंग वॉलेट में आ गया होगा। यहाँ पर शो होने लगा अमाउंट USDT का। अब आपको जो है सो ट्रेडिंग में जाना है, यहाँ पर ट्रेडिंग आपको सारे ऑप्शन नीचे ही मिलेंगे और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर P2P का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं जैसे कि आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी मुझे सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे, तो सेल पे क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर आ रहा है कि आप जो है अपना क्रिप्टो जो है रिलीज ना करें, आप जो है अपना बैंक अकाउंट पहले चेक करें कि आपका बैंक में बैलेंस आया है, उसके बाद ही आप इसको ट्रांसफ़र, क्योंकि एक बार आप अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर दोबारा वो जो है रिवर्ट आने में मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करेंगे। और यहाँ पर आप राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर INR को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम उसे INR में बेचने वाले हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे INR सेलेक्ट है और मैं यहाँ पे बाय था, मैंने इसको सेल पे क्लिक किया, सेल कर रहे हैं तो इसलिए सेल कर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो अमाउंट भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे 660 समथिंग USD बेचना है तो उसमें मेरा जो INR का जो अमाउंट बनेगा वो 50,000 या उससे ऊपर बनेगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 50,000 मिनिमम जो ख़रीद रहा होगा यहाँ पर वो मेरे लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आ गया है एक जो जिसका जो बाइंग लिमिट है वो है 40,000 से लेके 1,00,000 कुछ समथिंग का है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी देख सकते हैं, आप इसका जो रेटिंग है वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये 97.90% जो है ये सक्सेसफुल ट्रेडिंग किया है, तो ये एक बेहतर ट्रेडर है। तो चलिए मैं इसको बेचता हूँ, ये मुझे 86.12 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से देगा। तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे 622.28 डॉलर यहाँ पर बिक रहे हैं। मेरे पास टोटल जो है वो टोटल फंड जो आए हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना फंड है मेरे पास यहाँ पर वॉलेट फंडिंग में। अगर आप देख सकते हैं 660 समथिंग है, लेकिन वहाँ पर 622 डॉलर ही सेल हो पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसको 60,000 कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि
कौन सा आता है। तो ये आ गया यहाँ पर, रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर 89.95 समथिंग बाइंग में है। फिर से मैं इसको सेलिंग पे कर लूँगा, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका जो अगर टाइम देखेंगे दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है मुझे। पेमेंट टाइम लिमिट जो है 2 आवर्स, तो इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इस तरह से इतना टाइम लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार फिर से 50,000 पे ही रखता हूँ, कंफर्म करते हैं और इसको सेल करते हैं। तो ऑल करेंगे तो $622 ही बिक रहा है। और यहाँ पे जो टाइम जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट टाइम लिमिट जो है वो इसका 1 आवर का है। तो इसको सेल करते हैं, सेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इफ़ यू आर ऑन फेयर कंटिन्यू प्लेस ऑर्डर लार्ज अमाउंट यू कैन प्लेस ऑर्डर बिलो $500। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर आ रहा है कि आप जो है $500 से कहीं आप जो है सेल करें, अगर आप नए हैं तो 500 से ज़्यादा सेल ना करें। तो चलिए मैं इसको 500 पे ही कर लिया हूँ। और फिएट अमाउंट जो है मुझे वो 43,060 रुपये मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको सेल पे लगाता हूँ और देखते हैं कितने देर में ये ट्रांसफ़र रिलीज करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 4:43 का जो है टाइम स्लॉट चालू हो गया। और इसके साथ मैं चैट भी कर सकता हूँ, ये लिख के भेज रहा है आई एम पेइंग विद फ्यू मिनट्स, यू कैन शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पॉसिबल प्लीज़ वेट। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना ना शेयर करें, क्योंकि ये बाद में आपको कॉल वगैरह करके कुछ परेशान कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनको आप, मैं अपना पेमेंट ट्रांसफ़र होने का वेट करूँगा यहाँ पर आराम से। और जैसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र होगा मैं इनको कॉइन रिलीज कर दूँगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनेंस 24/7 कस्टमर सर्विस भी आ रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है P2P में तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखकर पढ़कर अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। काफ़ी इजी है और काफ़ी मुझे इजी इंटरफेस लगता है। यहाँ पर मैंने पेमेंट मेथड को IMPS रखा है और यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है ऑलरेडी मेरा यहाँ पर लिस्टेड है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल जो है आपको पहले से ही ऐड करके रखना पड़ेगा, तो आपका जो है ट्रांसफ़र जो है उसी अकाउंट में जाएगा जहाँ पे आप जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आप इनको चैट में सोचेंगे कि हम इसको अपना अकाउंट डिटेल्स भेजें, तो यहाँ पर बाइनेंस ये अलाउ नहीं करेगा। आपका ट्रेड जो है यहाँ से ओपन ही नहीं होगा अगर आपका जो है पेमेंट मेथड यहाँ पे नहीं ऐड होगा। तो चलिए एक बार मैं अपना मैसेज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे पेमेंट डन हो गया है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मैसेज भी आ गया, 43,060 रुपया यहाँ पर आ चुका है मेरा। ICICI का जो है वो मैसेज आ गया है अभी।
अब इसको कॉइन ट्रांसफ़र करेंगे। पहले ये बोल रहा है प्लीज़ रिलीज USD, तो आप जो है यहाँ पे पेमेंट रिसीप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पर आई हैव कंफर्म करेंगे, यहाँ पर आई हैव नॉट रिलीज रिसीव पेमेंट फ्रॉम बायर अगर करते हैं, अगर आपने रिसीव हो गया आप एक बार चेक कर लेंगे आप अपने अकाउंट को और उसके बाद देन कंफर्म करेंगे तो आपका जो है पेमेंट वो है रिलीज हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके एक बार अकाउंट चेक करके देन आपको इनको कॉइन रिलीज करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।